हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज है फ्रेंड्स 19 मार्च। 19 मार्च से जितने भी करंट पे से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। हम डेली बेस पे करंट पे पढ़ते हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC, रेलवे, UPSC, PSC, पुलिस कांस्टेबल, चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप अभी से 10 से 10 मिनट अगर आप टाइम लगाते हैं करंट पे में, 100% मैं लिख के देता हूँ आपके एग्ज़ाम का टाइम करंट से एक भी क्वेश्चन मतलब नहीं छूटेगा। मतलब आपको उस टाइम आपको रिविजन बस करना है, बस ऊपर से बस देखना है खाली, बाकी आपको करंट पे क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2020-24 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया थे? 6.1%, 6.4%, 5.9% या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 23 से 24 है आपका। तो हाल ही में OECD का अगर फुल फॉर्म बात करूं, इसका द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है OECD। याद रखिए OECD क्या होता है, ये आपका अलग अलग देशों की आपके अर्थव्यवस्था, वहाँ की इकोनॉमिक कैसी है, आपका रैंकिंग जारी करता है कौन से देश की अर्थव्यवस्था कितनी है, ये आंकड़ा लगाता है। तो OECD जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की बात करूँ, इसकी जो स्थापना है आपका 1948 में इसकी स्थापना किया गया है, और इसमें जो 38 देश इसके मेंबरशिप कंट्रीज, जिसमें हमारा जो भारत है ये हमारा जुड़ा हुआ है इस OECD के साथ, मेंबरशिप कंट्री है। और इसके जो महासचिव है अभी, इसके महासचिव हैं आपके लूजर, जो कि इसके अभी वर्तमान में महासचिव हैं OECD की। तो हाल ही में OECD ने जो वित्त वर्ष 23-24 में भारत की जो वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो ये आपका 5.9%, ये डाटा को याद रखिएगा। तो 5.9% ये डाटा जारी किया है OECD ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेके, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में जारी विश्व आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देखें तो आपका तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले तो इसके बाद तो पाकिस्तानी के नंबर है। तो जारी जो विश्व जो आतंकवाद सूचकांक में जो आपका कौन से शीर्ष स्थान पर है, तो आपका अफगानिस्तान, इसको याद रखिएगा। तो हमारा भारत से लगा हुआ जो कि है, देख सकते हैं हमारा इस यहाँ पर भारत है, पाकिस्तान, चाइना, बाकी जो लगे हुए ये कंट्री है, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो अफगानिस्तान जो कि वैश्विक आतंकवादी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आ चुका है, पाकिस्तान इसके सेकेंड नंबर में, इसको याद रखिएगा। अगर अफगानिस्तान की बात करूँ, यहाँ के जो राजधानी है काबुल, यहाँ के राजधानी है, और आपके इस्लामिक अमीरात जो देश है जिसमें आपके दक्षिण एशिया में ये आपके अवस्थित देश है, मतलब इस्लाम वाली कंट्री है, इसको याद रखें। इस्लामिक धर्म इन लोग अपनाते हैं। और यहाँ पे अफगानिस्तान में क्या होता है, जो लड़कियों पे ये आपको बहुत जुल्म करते हैं इन लोग, क्या करते हैं 5वीं से 6वीं तक मिनिमम इन लोग को पढ़ाई कराते हैं कहीं उनको, फिर उसके बाद दिन भर बुरके में रहना है, वो काला पहने रहते हैं, क्या बोलते हैं बुरका बोलते हैं शायद, आई थिंक, तो दिन भर लटका रहा, कहीं आने जाने की अनुमति नहीं है, तो दिन भर उसको लगाना है। साथ ही साथ कहीं जैसे हमारे इधर क्या है, जहाँ मन किया वहाँ जाते हैं, कॉलेज, स्कूल, जो भी कहीं जॉब करने, तो वहाँ, लेकिन ऐसा प्रतिबंध मतलब यहाँ पे प्रतिबंध की वजह से यहाँ पे कहीं आते जाते नहीं हैं, इसी कारण यहाँ पे वैश्विक आतंकवाद जो सूचकांक में अफगानिस्तान को शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की? तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। तो हाल ही में जो उत्तराखंड जो मंत्रिमंडल ने राज्य के गठन के लिए यहाँ पे आंदोलन करने वाले जो आपके जो मंत्रिमंडल थे आपके उत्तराखंड के जो राज्य सरकार के सहयोगी में, तो आंदोलन करने वालों को यहाँ पे सरकारी नौकरी में 10% देने की और साथ ही सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने की हाल ही में इसकी ऐलान किया गया है। तो किसके द्वारा? तो आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो इसको याद रखिए। अब यहाँ के उत्तराखंड की बात करूँ तो यहाँ की विंटर सीजन में यहाँ की जो राजधानी होती है देहरादून होता है, वहीं समर सीजन में यहाँ की जो कैपिटल क्या होता है गैरसैंण होता है, इसको याद रखिएगा। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर जी धामी और यहाँ के जो राज्यपाल हैं आपके गुरमीत सिंह यहाँ के नए राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने UPI पर रुपये क्रेडिट लॉन्च किया है? तो आपके कैनरा बैंक ने, ICICI बैंक ने, HDFC बैंक ने या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैनरा बैंक। तो हाल ही में कैनरा बैंक ने UPI पर रुपये क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च किया है कैनरा बैंक के द्वारा। तो इसको याद रखिए, कैनरा बैंक जो है जो कि भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक है, इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1906 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका हेडक्वार्टर आपके कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपके बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। एसी महाजन जो है इसके अभी अध्यक्ष हैं और प्रबंध निर्देशक है। तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में कैनरा बैंक ने UPI क्रेडिट लॉन्च किया है, तो इसको याद रखिए ट्रांजेक्शन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय रेलवे मंत्री भारतीय रेलवे से रेलवे कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2032 में, 26 में, 30 में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2030 तक ये टारगेट रखा गया है। कि केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री? तो अश्वनी वैष्णव हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री। इन्होंने हाल ही में घोषणा की गई है कि जो भारतीय रेलवे को 2030 तक मान के चलिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2023 तक सभी को इलेक्ट्रिक ट्रेन में बदलने की चेंज की है। सबसे जो पहला राज्य है आपके, कल मैं पढ़ाया था आपके, कौन सा राज्य है? तो आपका मेघालय राज्य है, कल मैंने आई थिंक आपको पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च, 18 मार्च, 17 मार्च या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 18 मार्च, याद रखिएगा। तो हर साल 18 मार्च जो वैश्विक जो रिसाइकलिंग दिवस इसको मनाया जाए, और इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो हर साल हम 18 मार्च को ये रिसाइकलिंग जो डे मनाते हैं आपके लोगों को जागरूक करने के लिए और अपने जो घर में जो कचरा वगैरह रहता है इसको सोचने पे मजबूर करता है कि जो कचरा है इसको यहाँ पे कैसे किया जाए, उसको ये प्रेरित करता है कि कचरा हम कम से कम किया जाए और इसको रिसाइकलिंग किया जाए। और ये आपके जलवायु को, इन्वायरमेंट को बहुत प्रभाव पड़ता है इस पर, दिनों दिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, सब इसी के कारण है। तो इस पर फोकस किया जाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, जलवायु जो आपातकाल सामना इस पर करना पड़ रहा है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसी पर वैश्विक रिसाइकलिंग जो दिवस है 18 मार्च को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपके रामचंद्र पौडेल, पुष्पकमल दहल, राम साय प्रसाद यादव या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका राम सहाय प्रसाद जो यादव है, इनको कहाँ के नेपाल के तीसरे क्रम के थर्ड क्रम के तीसरे उपराष्ट्रपति इनको बनाया गया है, इसको याद रखिएगा। तो नेपाल के अपने उपराष्ट्रपति कौन है? तो राम साहेब प्रसाद यादव यहाँ के नए उपराष्ट्रपति हैं। और नेपाल की बात करूँ, यहाँ के जो राजधानी है काठमांडू, यहाँ की राजधानी है, यहाँ पे कंट्री साउथ अफ्रीका में कंट्री आती है, कैपिटल काठमांडू है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? तो शैलेश पाठक, जी कृष्ण कुमार, राजेश मल्होत्रा या इनमें से कोई नहीं। तो BPCL जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसको याद रखिएगा, महारत्न
कंपनी है। तो BPCL इसका जो फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा। और आपके इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1976 में इसकी स्थापना किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो आपके मुंबई महाराष्ट्र में इसका इसका हेडक्वार्टर है BPCL के। तो हाल ही में इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जी कृष्ण कुमार को बनाया गया था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की हाल ही में घोषणा की है? तो गुजरात ने, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। तो हाल ही में जो राजस्थान के जो जो गहलोत जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, तो गहलोत जी ने यहाँ पे 19 नए जो राजस्थान सरकार ने राजस्थान में राज्य में 19 नए जिले और यहाँ पे कितने संभाग बनाए हैं? तो लगभग 3 संभाग की हाल ही में इनके द्वारा नए बनाने की घोषणा की है। तो टोटल यहाँ पे अब 50 जिला हो जाएगा राजस्थान में और आपका 10 संभाग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मिलाकर आपका 50 संभाग और आपके 10 संभाग अब टोटल हो जाते हैं यहाँ पे। तो हाल ही में इस राजस्थान सरकार ने इसको घोषणा की है, तो इसको याद रखिए। और राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है, इसको याद रखिए, पिंक सिटी के नाम से इसको जानते हैं। और अशोक गहलोत, मैंने बताया अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कलराज मिश्रा, कलराज मिश्रा वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हुआ है, कौन थे या कौन से जुड़े हुए व्यक्ति थे? तो लेखक, क्रिकेट कोच, गायक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जाने माने जो कोच थे, क्रिकेट कोच थे तारक सिन्हा, जिनका हाल ही में इनका 75 साल की एज में इनका निधन हो गया था, इसको याद रखिएगा। तो एक क्रिकेट कोच थे और इंडियन क्रिकेट कोच थे जी तारक सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर, और इसको छत्तीसगढ़ वाले तो जानते ही होंगे, ये हमारे पहले राज्यपाल थे अनुसुईया उइके जी। अब ये कहाँ के लिए बनाए गए हैं? ये आपके मणिपुर के नए राज्यपाल बना दिए गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हो गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो जो अनुसुईया उइके हाल ही में मणिपुर राज्य में यहाँ पे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और किसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मणिपुर में किया है, तो इसको याद रखिएगा। तो राज्यपाल ने प्राकृतिक कृषि और कृषि संबंधी जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में मणिपुर राज्य में इन्होंने किया है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ मैं मणिपुर की बात करूँ, राजधानी यहाँ की इम्फाल, एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल तो बता ही दिए हूँ अनुसुईया उइके, जहाँ के यहाँ के नए राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किसे लग्जर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्ति है? तो एमएस धोनी, अक्षय कुमार, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं। विराट कोहली जानते हुए इंडियन क्रिकेटर है, तो इनको लग्जर के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लग्जर क्या है कि आपके जर्मन की जाने मानी पेन कंपनी है, जहाँ पे पेन बनता है, तो इसी के जो कंपनी ने जो हमारे विराट कोहली है इनको लग्जर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको बनाया गया। तो देख सकते हैं आप, ये आपका जो पेन है इसका प्रमोशन करते आपको एडवर्टाइज वगैरह में देखने को मिले हैं, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं विराट कोहली, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO के पद से इन्होंने इस्तीफा दी है? तो पंकज गुप्ता, दीपक बागला, रश्मि शुक्ला या इनमें से कोई सही नहीं। तो इसका दीपक बागला, जो कि हाल ही में इन्होंने इन्वेस्ट इंडिया MD और CEO के रूप इन्होंने इस्तीफा दे दी। इन्वेस्ट इंडिया ये आपका नेशनल इन्वेस्ट जो प्रमोशन एंड फैसिलेशन एजेंसी है, जिसमें आपके ये आपके कोई भी क्षेत्र में, चाहे आपके लोन के क्षेत्र में, घर बनाने के, कोई भी सेक्टर में आपका ये सुझाव देता है, तो इसको याद रखें, इन्वेस्टमेंट करता है। तो दीपक बागला जिसके MD और CEO थे, तो हाल ही में इस पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में
किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया, तो लद्दाख, मयूरभंज, उपयुक्त दोनों या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों, तो लद्दाख को तो जानते ही होंगे। मयूरभंज, मयूरभंज आपके उड़ीसा का एक जिला है तो इसको याद रखें। तो लद्दाख और मयूरभंज इन दोनों को 2023 के सूची में, टाइम सूची में, दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में भारतीय स्थान को शामिल किया गया, तो इसको याद रखिए। ग्रेटेस्ट प्लेस में ये दोनों जगह को भारत के शामिल किया गया, तो इसको याद रखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको IMP करके रख लीजिएगा। टाइम पत्रिका में उड़ीसा का मयूरभंज और जिला, उड़ीसा के जिला है मयूरभंज, तो यहाँ और आपके लद्दाख को दोनों को सूची में शामिल किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन है। हाल ही में किसने बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी है, तो इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपके शुभ्रा गुप्ता, रचना विश्वास, मेघना देसाई या डी है इनमें से कोई 29 को सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रचना विश्वास। ये बिपिन रावत जी को तो जानते ही छोगे, तो इनके ऊपर एक बुक लिखी है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स। इस पुस्तक को जो लिखी गई है आपके रचना विश्वास के द्वारा, रचना विश्वास जो रावत इनके द्वारा लिखे गए हैं इस बुक को, तो बिपिन द मैन द बिहाइंड द यूनिवर्स जो भारत के, जो भारत के, हमारे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे, ये आपका कौन थे, हमारे भारत के पहला रक्षा मंत्री जनरल बिपिन रावत, तो इसके जीवन के ऊपर, जीवन के इनके व्यक्तित्व और इनके सिद्धांत पे ये आपके केंद्रित किया, इस पुस्तक के बारे में बताया गया इनके ऊपर, जो 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हो गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कम से कम एक लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आज का आपका जो क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न करने का क्या कारण है, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति या सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या पृथ्वी के केंद्र, यहाँ पे केंद्र प्रसारक के बल के कारण या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। तो इसका ये जो भी ऑप्शन है इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कल का आंसर जो आपका दक्षिण कोरिया था, जो आपको चाइना को जहाँ पे 5 ship बनाने के लिए ऑर्डर दिया था, तो उसका दक्षिण कोरिया सही आंसर है आज के क्वेश्चन का। मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू।